आज अमृतसर के गुरु नानक देव हॉस्पिटल में मेडिकल स्टूडेंट एसोसिएशन के प्रधान डॉक्टर वैभव के द्वारा स्टाइपेंड के चलते पंजाब सरकार के खिलाफ अनोखे तरीके से प्रोटेस्ट किया गया, जिसमें डॉक्टरों के द्वारा चाय और लड्डू बेचकर ये प्रोटेस्ट किया गया। उन्होंने कहा कि काफ़ी पहले से हमने स्टाइपेंड की मांग सरकार के आगे रखी थी, पर सरकार ने हमारी एक नहीं सुनी। उन्होंने कहा कि सात साल की पढ़ाई के बाद आज हम डॉक्टर बने और सरकार ने उस पढ़ाई का मूल्य नहीं डाला। उन्होंने कहा कि 10 साल पहले से हमारा स्टाइपेंड 9,000 रुपये चल रहा है और फीस 13,000 थी, जो कि आज बढ़कर 1,00,000 रुपए हो गई है, लेकिन 10 साल पहले स्टाइपेंड वहीं का वहीं है। जम्मू और हिमाचल में सबसे ज्यादा स्टाइपेंड मिल रहा है, जबकि वहां फीस भी हमसे कम है। इसी के चलते आज हम चाय और लड्डू बेचकर अपना रोष प्रकट कर रहे हैं। डॉक्टर वैभव है, मैं प्रेसिडेंट हां स्टूडेंट एसोसिएशन दा, मेडिकल स्टूडेंट ते आपा बड़ी देर तो अपनी स्टाइपेंड दी मांग अगे रखी है सरकार अगे, बट सरकार साडी सुनदी नहीं पई। आपा इन्नी लंबी 7 साल दी पढ़ाई करके उस तो बाद आज डॉक्टर बने आ, ते 7 साल दी पढ़ाई तो बाद सरकार ने उस पढ़ाई दा कोई मुल नहीं पाया। 10 सालों तो साडा जिहड़ा स्टाइपेंड है वह 9,000 चलता पिया। 10 साल पहले फीस 13,000 सीगी, 13,000 तो फीस अज वध के 1,00,000 रुपया हो चुकी है, ते स्टाइपेंड 10 सालों का 9,000 का 9,000 ही है। 10 सालों स्टाइपेंड कोई चेंज नहीं आया, पर जिहड़ी फीस है उस 10 गुना चेंज आ चुका है, 10,000 तो 1,00,000 हो चुकी है। कैमरामैन सोन सोड के साथ विशाल शर्मा, लाइव अमृतसर।